वहीं इस बीच दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल देर रात ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी केजरीवाल की आज कस्टडी मांग सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ईडी आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि शराब नीति मामले में कल केजरीवाल को शाम को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल देर रात ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और आज राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ईडी आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने वाली है। दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कल देर रात ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शराब नीति मामले में केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि कल देर रात ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार शराब नीति मामले को लेकर ईडी कार्रवाई तेज होती हुई दिख रही है, जिसके बाद कल देर रात ही सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी केजरीवाल को पेश करेगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी केजरीवाल की कस्टडी भी मांग सकती है। दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कल देर रात ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।